जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स तो कैसे हैं आप सब वेलकम बैक टू माय चैनल तो व्यूअर्स आज की वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं एक यूनिक प्रोडक्ट का तो ये है मेरे पास नैनो टेप तो ये मैंने कहाँ से मंगवाई ये इसकी प्राइस कितनी है इसको यूज़ किस तरह से करना है और क्या ये यूज़फुल है या नहीं तमाम बातें डिस्कस करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैंने बेसिकली एक किट ऑर्डर की थी दराज से जैसे कि आप ये देख सकते हैं थ्री हंड्रेड एंड थर्टी रुपीज़ की ये किट थी जिसके अंदर स्टिकर्स और स्ट्रॉज और डिफरेंट चीज़ें शामिल थी तो ये मेरे पास पार्सल आ चुका है तो मैं आपको खोल के दिखाती हूँ कि इसके अंदर क्या क्या मौजूद जूत था तो क्या प्राइस के हिसाब से ठीक था या नहीं एक तो थी नैनो टेप उसके बाद ये एक पैकेट के अंदर छोटी छोटी बॉल्स आपको नज़र आ रही हैं ये मैं आपको अभी खोल के दिखाती हूँ और साथ ये थी तीन स्ट्रॉज तो जैसे कि आप देख सकते हैं पिक्चर्स में काफ़ी सारी चीज़ें नज़र आ रही थी और बड़ी अच्छा एक बड़ा फ़न सी किट नज़र आई थी तो मेरे बच्चों ने फरमाइश की कि जी हमें परचेस करके दें हम खेलेंगे तो साथ उन्होंने एक वीडियो भी लगाई हुई थी कि ऐसे आप इसके साथ बैलूनस बना सकते हैं इसके अंदर पानी भर सकते हैं और फिर ये बॉल्स भर सकते हैं बीच में वगैरह वगैरह तो इसलिए हमने इसको ऑर्डर किया लेकिन जब इसको रिसीव ये मुझे रिसीव हुई तो मैं बहुत ही डिसअपॉइंटेड हुई थी ये देखें स्टिकर्स कैसे हैं ये मतलब स्टिकर्स भी पूरे नहीं हैं इतहाई घटिया क्वालिटी के स्टिकर्स इतहाई घटिया क्वालिटी की स्ट्रॉज़ हैं तीन जो कि वो भी पूरी नहीं छोटी छोटी सी स्ट्रॉज हैं और ये जो बॉल्स हैं ये स्टायरोफोम जो होती है ना उसके अंदर छोटे छोटी ये बॉल्स होती हैं जिसको बचपन में हम खेला करते थे उन बॉल्स को उन्होंने बस पेंट कर दिया है तब फोम के ये टुकड़े हैं बेसिकली और साथ में ये है टेप तो ये थी जी किट जो कि थ्री थ्री हंड्रेड एंड थर्टी रुपीज़ की लेकिन साथ ऑफ कोर्स आपको डिलीवरी चार्जेस देने पड़ेंगे तो नैनो टेप की मैं क्वालिटी आपको दिखा देती हूँ बच्चों ने इसके साथ खेलने की कोशिश की तो ये टोटल बस एक ये बैलून था जो सलामत था जो सही से बन सका इसके अलावा कुछ इससे नहीं बन सका स्टिकीनेस काफ़ी है टेप की लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके अंदर आप पानी भर सकेंगे एक दफ़ा भी हम प्रॉपरली इसमें पानी नहीं भर सके और ये बैलून भी बस एक ही दफ़ा बना था जो कि मैंने रिकॉर्ड कर लिया तो ये देखें हम यहाँ पर यूज़ कर चुके हैं टेप इसके साइडों पे भी स्टिकीनेस है इसलिए मैंने ये कवर इसका रखा हुआ था साइड पे ट्रांसपेरेंट टेप है ये जिसके ऊपर कवर मौजूद होता है एक साइड पे तो आपने इसको एक साइड से ये कवर हटा के तो आपने इसको स्टिक करना होता है दोनों साइड्स पे इसकी ग्लू मौजूद होती है तो अगर आप दीवार पे किसी चीज़ को स्टिक करना चाहते हैं तो इनका दावा ये है कि आप कर सकते हैं तो यहाँ पर इसकी क्वालिटी आप देख लें कि ये निकल ही नहीं रही कैसे ये चिपकती जा रही है ख़राब होती जा रही है जैसे जैसे आप इसको खोलते हो तो ये मज़ीद ख़राब होती चली जाती है तो क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है ये देखिए मैं खोलने की कोशिश कर रही हूँ शायद कैमरा इतने अच्छे से दिखा नहीं रहा लेकिन ये साइडों पर बहुत ज़्यादा स्टिक होती है कवर इसका ऐसे ही उतरता रहता है कई दफ़ा नहीं उतरता ख़राब हो जाता है बहरहाल स्टिकीनेस इसकी काफ़ी थी तो मेरी तरफ से ये प्रोडक्ट रिकमेंडेड नहीं है बच्चे सही से इसके साथ खेल नहीं पाए बैलून बनाने के लिए बीच में एक स्ट्रॉ डाल के तो इसको स्टिक करना होता है सारी साइडों से तो इतना ज़्यादा इसमें ब्लो करना पड़ता है कि मतलब आँखों में दर्द सर में दर्द मेरे तो जबड़ों में भी दर्द स्टार्ट हो गया इसमें बैलून बनाने की कोशिश में तो बच्चे वो जिद करते हैं ना कि हमें इस, इसका उन्होंने जो वीडियो में दिखाया तो हमें भी बना के दें तो आ, सही से अच्छा सा कुछ भी नहीं इससे बनता तो मेरी तरफ से ये प्रोडक्ट बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है अगर आप बच्चों के लिए खेलना चाह मतलब खेलने के लिए ये लेना चाहते हैं तो आई वुड से कि दिस इज़ अ वेस्ट ऑफ मनी आ, मतलब बिल्कुल भी बच्चों से कुछ नहीं बन रहा था बस वही जो एक बैलून बना तो बिल्कुल ये देखे बड़ी मुश्किल से इसका कवर उतरता है उतर रहा हो तो साइडों से सा, खुद ही उतर जाता है किसी किसी जगह पर तो बिल्कुल ही एक बेकार चीज़ है लेकिन अगर आपने नैनो टेप यूज़ किया और आपको अच्छी लगी है या आपने ये किट परचेज़ की थी तो आपको अच्छी लगी तो लाजमी अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कुछ पूछना हो तो भी पूछ लीजिएगा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा अल्लाह हाफिज़